नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के एसआई सरदारी लाल ने ईमानदारी की मिसाल की पेश, बकाया पैसे जमा करवाने खुद पहुंचे बैंक। जालंधर का एक नौजवान चांद पर प्लाट का बना मालिक, दोस्त ने चांद पर एक कनाल का प्लाट खरीदकर किया गिफ्ट। राजेश्वरी धाम मां देवी राजरानी वैष्णो मंदिर बस्ती शेख रोड में शिलान्यास दिवस के उपलक्ष में मां भगवती के जागरण का किया गया आयोजन। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के एसआई सरदारी लाल ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। एचडीएफसी में वाउचर में पैसे ज्यादा लिखे हुए थे, जबकि कैश कम होने पर गत दिवस वाउचर डिपोजिट कर दिया गया, जिसके बाद वे आज खुद बाकी के पैसे जमा करवाने के लिए बैंक गए। एएसआई सरदारी लाल ने बताया कि वे सांझ केंद्र डिवीजन नंबर 4 में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि गत दिवस उन्होंने लड़के को 36,420 रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए दिए थे। उन्होंने कहा कि लड़के को पता नहीं था कि उसमें 8,000 रुपए कम थे। वहीं एएसआई ने कहा कि उन्होंने फॉर्म भरा हुआ था जिसमें 500 के 40 नोट लिखे हुए थे, जबकि कैश में 24 नोट थे। उन्होंने कहा कि कैश में 8,000 रुपए कम थे। उन्होंने बताया कि शाम को जब उन्हें इस बात का पता चला तो फोन बंद होने के कारण बैंक के कर्मी से संपर्क नहीं हो सका, जिसके चलते वे आज सुबह बैंक में 8,000 रुपए जमा करवाने के लिए आ गए। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा फॉर्म डिपॉजिट कर लिया गया, जबकि उसमें कैश कम था, जिसके चलते एसआई ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए बैंक में खुद ही पैसे जमा करवाने के लिए चले गए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एसआई सरदारी लाला जी, मैं सांझ केंद्र डिवीजन नंबर 4 के विच तैनात हां। जिसे की होया कि सारा कल पैसे जेडे आ मैं 36,420 रुपए जमा करवाने सी, वो मैं नाल दे लड़के नूं भेजिया। उन्हें पता नहीं सी कि पैसे जेडे आ इहदे च कैश जे विच होर पाउणा सी। वोचर मैं भरिया होया सी, 500 दे नोटां दे हिसाब नाल 40 नोट, पर उहदे विच 24 सी। उह 8,000 कैश विच घट सी। उह फिर मैं अज इहनां नूं ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। लोगों का सपना होता है कि चांद की एक बार सैर की जाए, लेकिन जालंधर के एक व्यक्ति ने चांद पर ही प्लॉट खरीद लिया है। यूएसए से आकर जालंधर के एक दोस्त ने अपने दोस्त को चांद पर प्लॉट लेकर गिफ्ट किया। दरअसल मामला कुछ इस तरह है, जिसमें जालंधर के रहने वाले सुरजीत थापर के दोस्त ने सुरजीत थापर के नाम पर चांद पर एक कनाल का प्लॉट खरीदकर उसके नाम पर कर दिया, जिसके बाद सुरजीत थापर जालंधर के पहले ऐसे इंसान बन गए हैं जिनके नाम पर चांद पर प्लॉट है। ये बात मजाक में लेने वाली नहीं है, क्योंकि सुरजीत थापर पूरे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने चांद पर प्लॉट लिया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੋ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੂਨ 'ਤੇ ਆ ਜੀ, ਮੂਨ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਉ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਪਰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਤੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਲੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਲੈ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿਫਟ ਹੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਵਸੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੇਰਾ ਕਰੀਏ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਧਾਮ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੰਦਿਰ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਰੋਡ ਕੇ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਦਿਵਸ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕਾ ਜਾਗਰਣ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਧਾਮ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਕੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਮੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਮੇਂ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਪਾਦਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਪੂਰਵ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪਤੀ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਧਾਮ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਝੰਡੇ ਕੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਵਰੂਪ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਧਾਮ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਬੱਬਰ, ਵਿਜੇ ਦੁਆ, ਜੋਤੀ ਬੱਬਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪੱਪੂ, ਪੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗਣਮਾਨਯ ਵਿਅਕਤੀਓ ਕੋ ਮਾਂ ਕੀ ਚੁਨਰੀ ਦੇਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ। ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਕ ਪੰਕਜ ਠਾਕੁਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਮਾਂ ਭਕਤੋ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਬੱਬਰ ਨਾਨੂ, ਵਿਜੇ ਦੁਆ, ਸੁਸ਼ਮੇਂਦਰ ਨਈਅਰ, ਪਵਨ ਨਾਗਪਾਲ, ਪੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤੀਸ਼ ਬੱਬਰ, ਜੋਤੀ ਬੱਬਰ, ਰਾਜੀਵ ਸਹਿਦੇਵ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਸੋਨੂ, ਸੰਦੀਪ, ਜਤਿਨ ਬੱਬਰ, ਜਤਿਨ ਮਿੰਟੂ, ਨਰੇਂਦਰ ਠਕੁਰਾਲ, ਰਿੱਕੀ ਉੱਪਲ, ਅਮਨ ਬੱਤਰਾ, ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੋਲਤਾਨੀ, ਰਿਆਨ ਉਮਾਵ, ਰਾਜੂ ਮਦਾਨ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪੱਪੂ, ਨਵੀਨ ਬੱਬਰ, ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ, ਸੰਦੀਪ ਬੱਬਰ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕਾਲੀਆ ਸਹਿਤ ਮਾਂ ਭਕਤਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਾਗਰਣ ਮੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਾਂ ਭਕਤੋ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੇ ਸਾਥ ਕੁਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਤਲ ਭਾਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਣਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਮਾਮ ਨਗਰ ਬਾਦ ਚ ਪਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਠਕੁਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਗਵਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਗਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਭਗਵਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਔਰ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਦੇਵਤਲਾ ਮੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਏ ਸੀ, ਡੀ ਆਈ ਜੀ, ਆਈ ਜੀ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਓ ਸਾਰੇ, ਜੈਕਾਰ ਮਾਂ ਦੇਵੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁੱਲਿਆ
हमेशा ही मेरे परिवार को दुख सुख के साथी डैनी सवेरा के संपादक शीतलवीर जी उन्हों का बहुत वड्डा बस्तिया क्षेत्र में संयोग है। अज उन्होंने सपुत्र मेरे वड्डे भाई अभिषेक वीर जी उन्हों का मैं मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों भी अपने वालों धन्यवाद करता और मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे नाल मेरे वड्डे भाई साहब हरकमलजीत सिंह भाटिया जी पूर्व डिप्टी मेयर वाइस चेयरमैन पंजाब सरकार साड़ी भाभी जी कौंसलर वर्मा साहब कौंसलर पति जिन्हें भी इतने सारे साथी खड़े हैं क्योंकि सच्चे मनो जिस जगह से भी जाया जाता है तो कभी भी खाली उतु ही आ जाता तो महामाई का इस इलाके इन्ना तो वाला आशीर्वाद है गुरु मां का कि जेड़ा सच्चे मनो एक दरबार च आया क्योंकि मेरी मिसिज मेरी मदर इन लॉ आते हैं मैं पिछली बार क्या से आने पिछली बार सैशन आते करके मैं नहीं आ सकिया मैं माफ़ी चाहना पर मैं जरूर पूरी आने की कोशिश कराँगा तो महामाई के चरण फिर एक बार अरदास करना कि मेरे हल्के दे इलाके दे कि जितने अज एक खुशियां भरया जरा जागरण है और अरदास करो कि इस हल्के बुराई है वो दूर जाए अच्छाई आए जड़िया बुराइया इतने है क्योंकि दूर हो साडे बच्चे साडे नौजवानी जी चढ़ती कला च रहेगी। मैं एक बार फिर अपने वालों सारी संगत को जागरण दिया बहुत बहुत बधाई देना तो पूरे हल्के वालों की शुभकामना देना तो महामाई के चरणों के देवा जी के चरणों मेरे वालों तो मेरे परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी जय माता दी। देवा राजधानी के दरबार के बहुत ही सत्कारयोग इस हल्के विधायक मेरे छोटे वीर श्री शीतल अमराल जी जिहड़े आशीर्वाद लैण आए आ अभिषेक वीर जी दैनिक सवेरा के मालक साडे बहुत सत्कारयोग पिता सन्मान श्री शीतल वीर जी के होनहार सपुत्र इस दरबार के मुखी कैलाश बब्बर जी मिंटू जी वर्मा साहब संदीप वर्मा जी एडवोकेट साहब जसपाल कौर भाटिया कौंसलर और सारी संगत केवल जी खड़े है साधुराम कालिया जी मिंटू जी सारे ही सत्कार योग ने और अब खुशी का मौका इतने आके सारे अज 55वें मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर तुम आके इस दरबार के अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो क्योंकि कहा जाता है कि इस दरबार के जो भी झोलियां अट के जाता है वह मन दियां मुरादां पूरियां करता है। तो शीतल जी ने इस इलाके बेहतरी वास्ते अरदास की है मां माई कृपा करे साढ़े देवा जी कृपा कर इस इलाके चार चंद लगा और जिन्हें जो भी असी मनोकामना लैके इस दरबार के आए हैं साड़िया मनोकामना पूरी हो। जय माता दी जय माता दी जय माता Thank you.
महामारी के पावन और पवित्र दरबार के बैठी प्यारी साध संगत जीओ, अज साढ़े बहुत ही सत्कारयोग आदरणीय पूजनीय देवा राजधानी जी जिन्हों के उपराले सदका सेवा सदका अज 55वां माता रानी जी का जिहड़ा मूर्ति स्थापना दिवस है, अज 55 साल हो गए महामाई के पावन और पवित्र दरबार के हाजरी है जी संगत की लग रही है और संगत है जी। मैं देख रहा कि बस्तियात इलाके की शहर की काफ़ी लंबे अरसे तो साढ़े आदरणीय देवा जी के आशीर्वाद के नाल इस दरबार के नाल जुड़ी है और देवा जी नवरात्रियां दे विच बहुत ही पवित्र और श्रद्धामय तरीके दे नाल महामाई के जिहड़े पवित्र जागरण जिहड़े नवरात्रे है उन्हां दा गुफा दे विच रह के दिन रात जिहड़ा महामाई का पूजन करते हैं और संगत को वड्डा आशीर्वाद है जिहड़ा वड्डियां सीसां है इस पावन और पवित्र स्थान दे उत्तों मिलदियां। दास नूं भी करीब 37-38 साल हो गए क्योंकि जदों का मैं स्कूल बस्ती गुजाना शुरू किया 85 दे विच तां उदों तों ही दरबार दे नाल जुड़े हाँ। माता रानी गुफा दे विच सानूं याद है छोटे छोटे हुंदे सी उदों भी दर्शन करन आंदे सी और खास करके देवा जी पेपरां दे दिनां दे विच तां 2 वारी मत्था टेकदे सी बड़े सारे जिन्ने दोस्त सी जान लगे भी मत्था टेक के जाना अपने पेन भी इत्थे रख के मत्था टेकदे सी कि पेपर चंगा होवे। तो ये लगन है जिहड़ी तुहाडे आशीर्वाद नाल तुहाडे दरबार तों जिहड़ी है बचपन तो ही इत्थों वड्डा आशीर्वाद है जिहड़ा मिलदा रहा। पूर्व जिला देहात प्रधान नरेश पाठक को पंजाब सरकार द्वारा पंजाब स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सदस्य बनाया गया है, जिसका पदभार मिलने के बाद पंजाब वन भवन मोहाली में उनका भव्य स्वागत किया गया और पदभार ग्रहण करने की रस्म अदा करने के उपरांत जंडियाला गुरु में अपने घर पहुंचने पर नरेश पाठक का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया और उनमें खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर पूर्व जेई नरेंद्र सिंह, सूबेदार सरबजीत सिंह, आरती सुरेंद्र कुमार, विक्रमजीत सिंह, भगवंत सिंह आदि लोगों ने नरेश पाठक का मुंह मीठा करवाकर और सिरोपा पहनाकर स्वागत किया। वहीं नरेश पाठक की इस नियुक्ति पर जंडियाला गुरु के स्थानीय इलाके के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस मौके पर नरेश पाठक ने पंजाब सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सरकार द्वारा दी गई सेवाओं को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आदि पार्टी के साडे राष्ट्रीय कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, साडे पंजाब दे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान साहब, साडे राष्ट्रीय जनरल सैकटरी श्री संदीप पाठक जी, साडे हल्के दे विधायक श्री हरबंस सिंह इटू साहब, इन्हां दा धन्नवाद करना जिन्हां ने छोटे जे वर्कर नूं आम आदमी पार्टी दे एडा वड्डा मान दे के इन्ना वड्डी जिम्मेवारी नाल जिहड़ा उह नवाजिया। मैं विश्वास दवाना कि जो जिस उम्मीदा ना इन्होंने दास नूं ए रोल दिता है, मैं कोशिश करांगी कि मैं उन्होंने उम्मीदा दे पूरा खरा उतर सकां और जो क्योंकि ये बड़ी अहम जिम्मेवारी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का रोल बहुत बड़ा है, तो मैं पूरी कोशिश करांगा कि इस रोल नूं, इस जिम्मेवारी नूं पूरी तनदेही नाल, पूरी ईमानदारी नाल निभावां तां जो जो साडा सुपना है पंजाब नूं जिहड़ा दोबारा तो पंजाब की नौजवानी नूं, पंजाब दे जिहड़े खुशहाल तरक्की वाला सूबा बनाने वाल असीं अगे वध सकीए। सो भगवंत मान साहब की अगवाई विच साडा पंजाब बड़ी तेजी नाल दोबारा मुड़ तो लीह ते आ रहा है और तुहानूं पता ही है कि मान साहब वचनबद्ध ने नौजवानों नूं रुजगार वास्ते भी बहुत वधिया अवसर मिल रहे हैं, 42,000 तो वध जिहड़े नौजवानों नूं रुजगार दिता जा चुका।
श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार के प्रमुख विधायक रमन अरोड़ा के प्रयास से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन युवाओं की आइकन मोटिवेशन भागवताचार्य सुश्री जया किशोरी ने 24 अवतार माता अनुसुईया की कथा आत्मदेव वारह अवतार की कथा व शिव पार्वती विवाह का वर्णन सुनाया। कथा के दूसरे दिन की शुरुआत मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह, आप नेत्री राजविंदर कौर, आप नेता अमृतपाल, भागवताचार्य सुश्री जया किशोरी, आयोजक विधायक रमन अरोड़ा, सुभाष शर्मा, अश्विनी अग्रवाल, गीता अरोड़ा, महेश मखीजा, राहुल भारी व अरुण अंगद ने दीप प्रज्वलित कर किया। जबकि सांसद सुशील कुमार रिंकू, लवली स्वीट्स के मालिक अशोक मित्तल, नरेश मित्तल विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा चरण हो राघव के, जहां मेरा चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना। आइए तालियों के साथ, नगरी हो अयोध्या। सत्कारयोग साडे एम एल ए साहब रमन अरोड़ा जी, भैन जी राजविंदर, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट अमर जी, लोग सभा के इंचार्ज अश्विनी जी, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन साढ़े सैकटरी साहब, और मेरी बहुत ही सत्कारयोग भैन जो बहुत वड्डी गिनती च आईया। और मैं महसूस करदा कि
ऐसे धार्मिक फंक्शन होने जरूरी है क्योंकि पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती है। सो मैं इन्हां दा इनिशिएटिव MLA साहब दा हर वारी बड़ा अच्छा हुंदा है, पिछली वारी इन्हां कराया सी। सो इस करके जिहड़ा ये लोगों नूं धर्म दे नाल जोड़न वास्ते प्रेरणा वास्ते एक बड़ा वड्डा उपराला करदे, इन्हां दी शलाघा करदा है। और साढ़े बहुत वड्डे जिहड़े कथावाचक उह आ रहे मैडम एक्चुअली जी, बहुत उन्हां दा वेलकम जी आयां नूं और सकार के जिन्हां नूं जंदर वासी सुन वास्ते आए है। और इन्हां दा पूरे देश दे विच नां है, ना कि जिहड़ा सिर्फ जंदर विच हाज़र होए आ, देशों विदेशों दे विच इहदा नां है। और रोड़ा जी दा फिर मैं धन्नवाद करदा कि इन्होंने बहुत इनिशिएटिव लैके जिहड़ा ये काम कराते हैं धार्मिक कारज, ये वास्ते संगतां नूं हमेशा ही धर्म के नाल जोड़ते रहिंदे आ। और जिहड़ी मैंटल संतुलन जिहड़ा तुहाडा दिमागी तौर पर जिहड़ा बैलेंस रखना ये वास्ते बहुत जरूरी हुंदा है, क्योंकि हमेशा ही गुरुद्वारे मंदिर जाने हैं तो सानूं शांति मिलती है। गुरु बालाजी महाराज की 3 लाख रुपया साढ़े मेरे वड्डे वीर कैबिनेट मंत्री सानू दिता, इन्हां दा असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। एक मिनट। स्वर्ण जयंती के अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में बसंत पंचमी के दिन स्थापित हुई मूर्तियों के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य जागरण का आयोजन किया गया। इस जागरण में विधिवत मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति सहित उद्योगपति नरेश सहगल, दिनेश सहगल, पूर्व पार्षद पति मनमोहन सिंह, भारत भूषण बजाज, एडवोकेट कुणाल अरोड़ा, पूजा अरोड़ा, सीए राघव अरोड़ा, आंचल अरोड़ा, हरिहान अरोड़ा, सुरेंद्र अग्रवाल, अजय लाली, रमन शर्मा, अरुण वर्मा, पवन मेहता, राजू शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जागरण में पंजाब के विभिन्न जगहों से आए महंतों ने मां की पक्की भेंटों को गाकर श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने सभी मां भक्तों को बधाई दी। इस मौके पर योगेश्वर शर्मा, प्रदीप पुजारी, अमृत लाल अरोड़ा, मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, रवि कक्कड़, प्रदीप अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। तो वहीं जागरण के दौरान मंदिर में आए भक्तों के लिए लंगर भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। I'm sorry.
सनातन धर्म रामा मंदिर प्रबंधक सभा की ओर से 72वां वार्षिक सम्मेलन 12 फरवरी से 15 फरवरी तक श्री सनातन धर्म रामा मंदिर मोहल्ला नंबर 17 जालंधर छावनी में करवाया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूर महल वालों के साधकों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान कमल चौहान, चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, कोषाध्यक्ष प्रभुदयाल, पंडित राजेंद्र कुमार, सदस्य प्रोफेसर टॉयलर अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, अमरजीत सिंह, मोहिंदर अग्रवाल, अशोक, रीमा, सीमा, आशा, रजनी, सुनीता, कमला, नारायण शर्मा, सूरज, सुनील, श्याम, अनीता, नीलम गुप्ता सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जी
ये वो भूमि है जिस भूमि पर परमात्मा ने अवतार लिया। अगर आप बात करें ना अमेरिका की, कनाडा की, या यूएई की, या भारत को छोड़कर अन्य जो धरती है वहां पर परमात्मा ने अवतार नहीं लिया। प्रभु श्री राम की किसका अवतार? हाँ जी, और हमारे कृष्ण बलदेव किसका अवतार? और देखिए यहां पर हम कहते हैं ना भगवान विष्णु जी के अवतार आए, बाकी अन्य किसी धरती पर पूर्ण अवतार ने ऐसे शरीर धारण नहीं किया। वो मैं संजय थे, संदेश वाली प्रोग्राम साडे रामा मंदिर के बद्रमा कराया जा रहा है, उसके असी अपने तह दिल तो पूरे केंट वालों दिव्या ज्योति वाले गुरु जी बाबा जी और जिन्हें भी इन्होंने सेवेदार उन्होंने इतने आते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और असी अपने वालों तुलसी एस डी और एन सी मॉडल स्कूल वाले बच्चों का और उन्होंने टीचर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और सारी जिनी संगत आई उन्होंने अज के दिन एक होर बेनती करते हैं कि 24 तरीक को कलश यात्रा होएगी, 25 तरीक को भागवत कथा जो कि रामा मंदिर वालों कराई जाएगी, उसके सारे ने आना और जिनी भी साड़ी टीम है इन्हों सार बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, आशा जी और सानू बहुत रजनी जी, और अज असी इतों सानू बहुत कमी महसूस है जो कि साढ़े उषा प्रधान जी साढ़े बच्चे नहीं रहे। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर के चेयरमैन साहब हरविंदर सिंह जी पप्पू और प्रधान कमल चौहान जी, हमारे पूजनीय पंडित जी रजेंद्र राजू जी, प्रभु दयाल वर्मा जी, अशोक जी भी आए हुए हैं श्री सनातन धर्म महाविद्यालय के पुराने प्रधान रहे हैं, सभी ने बहुत ही सहयोग दिया है। प्रधान जी और चेयरमैन साहब निरंतर सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी अभी बहुत सारे रोचक कार्यक्रम आ रहे हैं, अंदर बालाजी का मंदिर बन रहा है। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में छठी प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए बस्ती दानिशमंदा के वाल्मीकि मोहल्ला स्थित कलसी परिवार के निवास स्थान पर संपन्न हुई, जहाँ पर रवि कलसी, विजय कलसी, अनिकेत, सहज, तनु, ऋषि, विकास, पवन सारंगल, शिव यादव, अनीता रानी, विजय लक्ष्मी, कृष्णा देवी, कांता कुमारी, अक्षी साम्याल की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान मदनलाल खिंदर, सचिव सतपाल पाला, ओम प्रकाश लोच, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, अमरनाथ, कुलदीप, लक्की घई, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अजय डालिया, चरणदास कलसी, पवन कुमार, रूबी जंग बहादुर, जकी कमल डालिया, लक्की स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जसबीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी, विमला, विष्णु, कुसुम, रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 647ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੇਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ
श्री गुरु अरदास मंदिर कटरा वाला विखों निकाली गई जिसकी अध्यक्षता साढ़े गुरु घर के प्रधान मानयोग श्री मदन लाल खिंदर जी ने की थी। सारे ही सभा के मैंबर इसी सभा के मैंबर सारे ही पूरे नगर की परिक्रमा करके अज साढ़े होर ही सत्कारयोग श्री रवि कुमार की कलसी, श्री विजय कुमार की कलसी, श्री ऋषि कलसी जी और श्री अनिकेत कलसी जी अज कलसी परिवार के ग्रह विखे अज परिवार ने मोहित जी भी और कलसी परिवार ने आयुष प्रभात सिंह का बहुत मान सत्कार किया है। ज्यादा लंगर कुलचे छोले लंगर बेअंत माया इस परिवार ने कलसी परिवार ने सेवा कराई है। महाराज हमेशा इस परिवार से मेह भरे हथ रखे। तुम जानते हो कि प्रकाश उत्सव जो कि 24 जनवरी है और असी सारे ने अगे नालों बढ़ चढ़ के इस बार बाबा जी का जन्मदिन है जो प्रकाश उत्सव है वह मनाना है और घर घर दीपमाला करनी है और खुशियां मनानिया हैं और शोभा यात्रा जी निकाली जाएगी पुष्ट शोभा यात्रा उस सारे ने चलना है। बड़ा खुशी का माहौल है और जिस तरह तुम जानते हो कि गुरु महाराज जी जो पवित्र जन्म दिहाड़ा है 24 फरवरी आ रहा है तो 9 तो लैके 22 तारीख तक श्री गुरु अरदास मंदिर कटरा मल्ला तो परिवार फेरी चल रही हैं। अज 6वीं परिवार फेरी है जो कि साढ़े वीर रवि कुमार कलसी जी। मैंने बहुत खुशी हुई कि जो पता लगा कि साढ़े रवि जी ने बुकिंग कराई है। असं हर साल उन्हीं इतने कलैक्शन करने आए हैं और साढ़े बेटा का बहुत ज़्यादा घर के सारे फैम सारी भैन जी सबू देख के चाहे बिना जल के चाह पानी बिना जान देते हैं। कहते कल इन्ना कलसी परिवार गुरु दरबार से जुड़िया हुआ और बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा है। अब उन्होंने परिवार फिर मिला साझा सारी जो हिस्ट्री सभा जन सभा और भी जो बस्ती निवासी आए सन सारे ने बहुत ज्यादा मान सत्कार किया है। तो असं हिस्ट्री सभा और जन सभा वालों कलसी परिवार रंग जी का और उन्होंने सारे परिवार का जो है कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और गुरु महाराज अगर अरदास करते हैं कि गुरु महाराज कलसी परिवार के चढ़िया कला बख्शना। एसबीआई से रिटायर्ड मैनेजर केडी अग्रवाल जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं उनकी आत्मिक शांति हेतु श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म पगड़ी गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय केडी अग्रवाल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर अजय जैन, विजय वर्मा, कुलदीप सरना, कमल नवलखा सहित पारिवारिक सदस्यों में बेटा संदीप अग्रवाल, रितु अग्रवाल, राजेंद्र बांसल, प्रीति बांसल, करण अग्रवाल, आयुषी अग्रवाल सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय केडी अग्रवाल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। एक रोज सबको पड़ेगा।
अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के एसआई सरदारी लाल ने ईमानदारी की मिसाल की पेश, बकाया पैसे जमा करवाने खुद पहुंचे बैंक। जालंधर का एक नौजवान चांद पर प्लाट का बना मालिक, दोस्त ने चांद पर एक कनाल का प्लाट खरीदकर किया गिफ्ट। राजेश्वरी धाम मां देवी राजरानी वैष्णो मंदिर बस्ती शेख रोड में शिलान्यास दिवस के उपलक्ष्य में मां भगवती के जागरण का किया गया आयोजन। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।